हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जिसमें से 2.3 में आपको जो रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम आपके टॉपिक से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। सीबीएसई ने उसे आपके टॉपिक से कट कर दिया है। अब आपको एक बात नोट करनी है कि जो मैंने करा दिया क्वेश्चंस 2.3 में, ठीक है, सारे करा दिए फॉर योर नॉलेज, ठीक है, बट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिमाइंडर थ्योरम से नहीं आएंगे। आज जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4 में आपको जो करना पड़ेगा वो ये प्रूव करना होगा कि ये फैक्टर हैं या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 2.4 से, और आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एग्जांपल्स सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन एक्सरसाइज 2.4 में। फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला पार्ट है इसका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दूसरा पार्ट एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। थर्ड पार्ट गिवन है आपको एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड फोर्थ पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको चार पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फोर पार्ट्स करने पड़ेंगे, बट आपको ये बताना है कि एक्स प्लस वन इन फोर में से किन के किस किस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक है। तो जब भी फैक्टर चेक करना होता है कि इस दिस नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको उस केस में क्या करना होता है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया हो आप उसको इक्विवेलेंट टू जीरो पुट कर लें, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, आप उस एक्स की वैल्यू को जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं आप उसमें पुट करिए, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल्स जीरो की इक्विवेलेंट आ जाता है, इसका मतलब एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर, हमने लेट कर लिया पी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए है। नाउ पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन एबव पॉलीनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस वन आपको पुट करना है, देन p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर माइनस वन हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। माइनस वन क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर करेंगे प्लस वन, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वन एंड यहाँ पर प्लस वन, तो आप क्या देखेंगे, टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो पी ऑफ एक्स हमने लेट किया ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, जीरो के इक्विवेलेंट आ गया, दैट मीन्स एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू माइनस वन फॉर ऑल दीज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में जब हमने x इज इक्वल टू माइनस वन रखा तो इसकी वैल्यू हमें जीरो मिल गई, इसका मतलब x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड करके देखते हैं, ठीक है।
सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन एबव पॉलिनोमियल्स, मीन इसमें आपको पुट करना है पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 4 प्लस माइनस 1 पावर 3 प्लस माइनस 1 पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 पावर 4 करेंगे, जब भी पावर में इवन नंबर्स होगा तो माइनस टर्म हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है, और जब भी पावर हमेशा ऑड नंबर में होगा तो माइनस का माइनस ही रह जाता है वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आपको क्या मिल रहा है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर 0 के इक्विवेलेंट नहीं आया पी ऑफ एक्स, है ना। तो पी ऑफ एक्स जब नॉट इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल नॉमियल पी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया आपको ये इतना? ठीक है, अब मैं आपको ये दो क्वेश्चंस नहीं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको इसमें भी क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है। बेसिकली मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, इतना डिटेल नहीं लिखूंगी। ठीक है, आपको किस तरीके से करना है मैंने आपको ये समझा दिया है, तो आपको प्रॉपरली एग्जाम में स्टेप वाइज स्टेप ही लिखना है। अगर आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, अब हम और देखते हैं। देखो ऐसे ही मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ, इसमें भी आपको क्या करना होगा, माइनस 1 पुट करना होगा। माइनस 1 पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 पावर 4 करेंगे 1 मिल जाएगा, माइनस 1 पावर 3 है दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 1, और माइनस 1 और 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 3। माइनस 1 स्क्वायर 1 मिलेगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, प्लस माइनस का माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपको मिल गया 1। इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। सेम फॉर इसके लिए चेक कर लेते हैं, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2। क्लियर, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 मिल जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो ये भी माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस रूट 2। क्लियर, और यहाँ पर प्लस रूट 2, तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट रूट टू प्लस होकर 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 0 नहीं मिला, इसका मतलब ये भी x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं होगा। तो आपको 4 पार्ट में से बेसिकली आप देखेंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का ही फैक्टर दिख रहा है x प्लस 1, बाकी इन तीनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जल्दी में ऐसे ही बता दिया बिकॉज हमने आपको दो डिस्कस कर दिए, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, फर्स्ट दिया है आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सेकेंड गिवन है आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। थर्ड गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6।
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस में ये बताना है जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। ठीक है, आप कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स प्लस वन। नाउ पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपको फैक्टर चेक करना है ना, मीन्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिल गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट इन द पी ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर माइनस वन रखना है, तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। ठीक है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस टू मिल जाएगा आपको, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, वन से वन कैंसिल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये आपको लिखना है। ठीक है, सिंस जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये करना है। अब यहाँ पर ये सारे मैं कराऊँ या आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, तो ठीक है डिस्कस कर देती हूँ फटाफट थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली, ओके। सेकेंड के लिए लेते हैं, नाउ पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन द पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ माइनस टू क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब है ना, तो माइनस टू का क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। क्लियर, माइनस टू का क्यूब मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एट प्लस टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो आप, ट्वेल्व प्लस वन कितना हो गया, थर्टीन हो गया, माइनस एट प्लस सिक्स कितना हो गया, फोर्टीन हो गया, तो आंसर क्या मिल गया आपको, माइनस वन। इसका मतलब यहाँ पर जीरो नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, सो जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो एक बात याद रखना है आपको, अभी यहाँ पर तो हमने माइनस टू पुट किया बिकॉज जी ऑफ एक्स के दोनों टर्म्स प्लस में दे रखे थे, तो हमने इसको आरएचएस साइड में लिया तो माइनस वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर एक्स माइनस थ्री दिया है, इसको आप आरएचएस साइड ले जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। ये आपको होमवर्क में आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो अभी आप चाहे अभी वीडियो पॉज करके आप खुद से कर लें, आंसर कमेंट करें, या फिर आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करें, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट कर रही हूं तब तक आप पार्ट थ्री इसका करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला दिया है आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सेकेंड है, सॉरी थर्ड यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। फोर्थ है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन।
ठीक है, तो कर लिया आपने ये क्वेश्चंस, कितना आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना। इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हर एक आपको पार्ट्स में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपको x माइनस वन इसका फैक्टर गिवन हो। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सिंस x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, वन मिल गया। अब आपको क्या करना है, p ऑफ x किसके इक्विवेलेंट पुट करना है, आपको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या पुट करना है, वन। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन, बी गेट वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, वन स्क्वायर मीन्स वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू माइनस टू। मीन्स अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो के हमको क्या मिल जाएगा, माइनस टू मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो हमें के क्या मिल जाएगा, माइनस टू मिल जाएगा फर्स्ट के लिए। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पर हर एक क्वेश्चन में आपको वन प्लेस करना, बिकॉज फैक्टर एक्स माइनस वन दिया है ना, तो आप माइनस वन को आरएचएस साइड ले जाएंगे, प्लस वन हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू इन चारों में आपको वन रखना है, इक्विवेलेंट टू जीरो पुट करना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं हर जगह केवल इतना पोर्शन चेंज करूँगी। ठीक है, x इज इक्वल टू वन इन चारों में ही रखना है, p ऑफ x सबके लिए जीरो ही लेना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन, टू इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, टू इंटू वन स्क्वायर मीन्स टू, के इंटू वन मीन्स के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, सिंस के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस रूट टू। ठीक है, बिकॉज टू भी इस साइड जाएगा आर एच एस में तो माइनस हो जाएगा, रूट टू भी आर एच एस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया हमने तो के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस रूट टू मिल जाएगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस रूट टू माइनस साइन के साथ। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देती हूँ, फोर्थ आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, के इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन। क्लियर, ये मिल गया आपको, देन के इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट रूट टू माइनस वन, तो के की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड का। फोर्थ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो नोट कर लें आप इसे, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको बेसिकली करना क्या था, बहुत ही इजी, सबसे अगर इजी बात करें हम इसमें तो पॉलीनोमियल्स बहुत ही इजी। वैसे भी सीबीएसई ने जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक थे वो रिड्यूस कर दिया है, जैसे मैंने आपको मैग्नीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, रूट 9.3 को लोकेट करना था। ठीक है, तो वो भी आपके चैप्टर से हटा दिया गया, मैग्नीफिकेशंस भी आपको नहीं आना है, बट आपको मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर, नॉट ओनली द टॉपिक, फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑल्सो विल रिड्यूसेस। ठीक है, एक्सरसाइज से वो क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर चार क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई एक दो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो वो भी हटा दिया गया है, तो आपको बहुत ही इजी मिलने वाला है मैथ अब। ठीक है, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, इस कोरोना टाइम में आप इसको टाइम जो है ना बहुत अच्छे से कंज्यूम करिए, वेस्ट मत करिए इसे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी जो इसके क्वेश्चंस और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।